हाय फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? और बताइए दोस्तों, कैसे हैं आप सब? आप सबको एक को गुड इवनिंग फ्रेंड्स। ये जो ब्लॉग शूट हो रहा है, ये शाम के टाइम शूट हो रहा है। और फ्रेंड्स, आप लोग ब्लॉग में देख रहे होंगे कि हमारे हस्बैंड जी कुछ बना रहे हैं। तो फ्रेंड्स, आप इस वीडियो को नेगेटिव में मत लीजिएगा, वो क्योंकि जो चीज़ वो बना रहे हैं वो मुझे बनानी नहीं आती है फ्रेंड्स, इसीलिए। और मेरे पतिदेव वैसे भी बहुत अच्छे हैं, वो उनका नेचर बहुत ही अच्छा है, शायद ही उनके जैसे कोई हो जो कि इतने अच्छे हैं वो फ्रेंड्स। आज वो जो बना रहे हैं वो लिट्टी बना रहे हैं, तो जो चोखा होता है उसको तो मैंने बना के रख दिया है, और सत्तू का मसाला इन्होंने तैयार कर दिए थे, और आटा वगैरह मैंने गूंथ दिया है, तो वो लिट्टी भर के सेकते हैं। और फ्रेंड्स, आप सब लोग जानते होंगे कि लिट्टी चोखा किसे कहते हैं फ्रेंड्स, ये बिहार का पॉपुलर प्रसिद्ध भोजन होता है। अगर हम इसे कहें कि लिट्टी चोखा बिहारियों का प्यार है, तो ये यहाँ पे कहना कोई गलत नहीं होगा। और फ्रेंड्स, आप यकीन मानिए, लिट्टी चोखा बहुत ही टेस्टी होता है, एक बार अगर कोई खा लेता है तो उसको बार बार खाने का मन करता है फ्रेंड्स। लिट्टी चोखा बनाने के कई तरीके होते हैं, कोई ओवन में बनाता है, कोई कैसे बनाता है, लेकिन फ्रेंड्स जो ट्रेडिशनल परंपरागत तरीका होता है वो फ्रेंड्स चिपली, जिसको हमारे यहाँ यूपी में कंडे बोलते हैं, कंडे का मतलब होता है चिपली कंडा, जो जानवरों का गोबर होता है उसको जो पात के बनाया जाता है उसे बिहार में चिपली बोलते हैं, और हमारे बुंदेलखंड में कंडे बोलते हैं। कंडे की आग सुलगा के जो बनाया जाता है वो उसमें धीमी आंच में पकता है, और वो पकते पकते फट जाती है, मतलब इतनी अच्छी तरीके से पकती है, उसका टेस्ट बहुत ही अमेजिंग लगता है। और फ्रेंड्स, लिट्टी मैं भी बना लेती हूँ, ऐसा नहीं है कि मैं नहीं बना पाती हूँ, लेकिन मैं उस तरीके का नहीं बना पाती हूँ, क्योंकि उन जो हमारे पतिदेव हैं उनको मेरा लिट्टी बनाया हुआ पसंद नहीं आता है। और फ्रेंड्स, आप ब्लॉग एक बार बना के ज़रूर खाइएगा। मैं आपका इसका फुल डिटेल वीडियो तो नहीं दे रही हूँ, लेकिन थोड़ा सा आपको मैं बताए दे रही हूँ फ्रेंड्स। सत्तू में सत्तू ही होता है, जो कि उसमें हम भुने चने का पाउडर होता है उसको पीस के बनाया जाता है, उसमें हम हरा मिर्च, अदरक, लहसुन चॉप किया हुआ या घिस के डालते हैं, और आम का मसाला, सरसों का तेल, मंगरेल जिसे कलौंजी बोलते हैं, अजवाइन, इनको डाल के बनाया जाता है, और उसमें सरसों का तेल का फ्लेवर होता है। अब फ्रेंड्स, इसको खा के नमक ये सब डाला जाता है, हरा धनिया, हरा मिर्चा। अब फ्रेंड्स, इसको आप टेस्ट करके देख सकते हैं, जब तक आपके खट्टा खट्टा टेस्ट आता है, जैसे आप नींबू खाते हैं तो आपको चटकारा सा आता है ना, वैसे ही आना चाहिए। और फ्रेंड्स, जब हम इसका आटा लगाते हैं, तो आटा लगाने के लिए क्या करते हैं कि आटा ले लेते हैं, उसमें अजवाइन और नमक और थोड़ा सा ऑयल का मोवन कर दिया जाता है, और फिर उसके बाद उसके जो सतुई होता है, जो सत्तू होता है, उसको भर के लोइयों में कर दिया जाता है, जो कि आप देखे होंगे कि हमारे फ्रेंड्स, हमारे पतिदेव
भर रहे हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ पर हमने आग सुलगा दी है चूल्हा में। ये देखिए आप देख रहे हैं, देख पा रहे होंगे कि आग हमारी बन रही है। जब ये हमारा कंडे की आग बन जाएगी तब हमारी ये चिपली सेकने लायक हो जाएगी। और फ्रेंड्स अगर ऐसा खाना रोज खाएं तो फिर क्या कहने, लेकिन हाँ ऐसे इस खाने को बनाने में बहुत मेहनत लगती है, बहुत ही टाइम लगता है। तो फ्रेंड्स ऐसे तो नहीं बन पाता है। अब फ्रेंड्स देखिए एक बार की हमारी एक घान की हमारी लिट्टी बन चुकी है और इसको घी में भिगो करके हमने रख दिया है। और फ्रेंड्स जब तक हमारी लिट्टी बन रही है तब तक मैं ये हरा नमक पीस के रख ले रही हूँ। घर में धनिया आई थी, धनिया मार्केट से, तो वो अगर हम इस नमक को पीस लेते हैं तो जैसे हमको कुछ भरता वगैरह चोखा वगैरह बनाना होता है तो ये नमक को हम इस्तेमाल कर लेते हैं। इसमें फ्रेंड्स आप इस नमक को पीसने के लिए आपको कुछ ज़्यादा नहीं करना पड़ता है। हरा मिर्च, लहसुन, अदरक और धनिया को पीस के और थोड़ा सा नमक ऐड कर दिया जाता है। इससे फिर वो नमक को आप हल्का सा सुखा के रख लीजिए तो आपका बहुत दिन तक स्टोर रखा रहता है और उसको आप प्लास्टिक के डब्बे में बंद ढक्कन करके स्टोर कर दीजिए। फ्रेंड्स आज मार्केट से देखिए हमारी सब्जियां वगैरह आई थी और यहाँ पर राशन का सामान, ऑयल वगैरह सब कुछ आया था। और फ्रेंड्स अब आपको बताऊँ कि चोखा बनाने के लिए क्या करना पड़ता है। तो फ्रेंड्स बैंगन होता है, बैंगन को पहले चेक कर लिया जाता है अच्छी तरीके से कि बैंगन में कोई कीड़े तो नहीं है, और बैंगन में तेल लगाकर उसमें होल करके बैंगन में और लहसुन को गपा दिया जाता है। उसके बाद फिर आलू भी भून लिया जाता है। आप यही कंडे की आग में ही आलू भून सकते हैं और ये स्मोकी वाला भरता बनता है अब, जो कि बहुत टेस्टी लगता है। अब फ्रेंड्स देखिए आज हमारी लकड़ियाँ भी, हम लोगों ने लकड़ियाँ भी आज खरीदी थी क्योंकि सर्दी के टाइम में चूल्हे में खाना बनता है तो लकड़ियाँ ख़त्म हो गई थी और इसी वजह से लकड़ियाँ भी हमने स्टोर कर ली। तो फ्रेंड्स जब हम आलू बैंगन को भून लेते हैं उसके बाद उसको अच्छी, और टमाटर भी भून लिया जाता है, आप इसको गैस धीमी करके भी भून सकते हैं, धीमी गैस करके। और फ्रेंड्स उसमें फिर हम हरा धनिया, हरा मिर्चा और थोड़ा सा बैंगन जो होता है उसको मसेल के, टमाटर मसेल के और नमक और सरसों का तेल ऐड कर देते हैं। तो फ्रेंड्स ये हमारा स्मोकी वाला भरता तैयार हो जाता है और फ्रेंड्स खाने में बहुत ही टेस्टी लगता है, बहुत ज़्यादा टेस्टी लगता है फ्रेंड्स। और फ्रेंड्स इस लिट्टी चोखा की कई वीडियो आपको यूट्यूब में आप सर्च करेंगे तो आपको कई वीडियो मिल जाएंगी। तो फ्रेंड्स ये तो होता है परंपरागत तरीके से कि लिट्टी कैसे बनती है, लेकिन फ्रेंड्स कोई कोई ओवन में बनाता है लिट्टियों को या फिर तेल में फ्राई कर लेता है लिट्टियों को। कई तरीके हैं फ्रेंड्स बनाने के लिए। और फ्रेंड्स यहाँ पर लिट्टी चोखा बनते बनते काफ़ी टाइम हो गया था तो चलिए ऊपर चलते हैं और ऊपर से कुछ जो कपड़े वगैरह हैं उनको अंदर कर लेते हैं फ्रेंड्स, क्योंकि ओस वगैरह अभी रात को पड़ती है तो उससे फिर कपड़े वगैरह भीग जाते हैं। और फ्रेंड्स देखिए इस टाइम कितना अंधेरा सा चढ़ा रहता है, देखिए फ्रेंड्स कितनी हवा चल रही है कि हमारा जो झंडा है, बजरंगबली का झंडा है वो कितना लहरा रहा है। और फ्रेंड्स यहाँ पर कपड़े धो करके फैला दिए थे तो चलिए फ्रेंड्स अब, और देखिए यहाँ पे फ्रेंड्स कुछ मैंने कपड़े लेगीज वगैरह डाल रखे थे। और फ्रेंड्स देखिए अब भी इतनी ओस पड़ती है कि ओस में भीग जाती है। तो फ्रेंड्स मैंने आपको ये डिटेल में रेसिपी नहीं दिखाई है कि भाई फिर कभी वीडियो में आपको डिटेल में दिखाऊंगी, बस एक नॉर्मली मैंने ये ब्लॉग बना लिया था ताकि आपको कुछ दिखा सकूँ यूनिक। तो फ्रेंड्स आप इस वीडियो को कोई भी नेगेटिविटी में मत लीजिएगा, ना ही आप गलत सोचिएगा कि मतलब कुछ भी आप गलत मत सोचिएगा, कहने का मतलब ये है। देखिए
जो चीज़ हमको बनानी नहीं आती है तो हमको उसको सीखना चाहिए। तो इसी तरह फ्रेंड्स, यहाँ पे मैंने चने की भाजी सूखने के लिए डाल रखी है तो मैंने उठाई नहीं है, क्योंकि अगले दिन नेक्स्ट डे मुझे उठाना है। और फ्रेंड्स यहाँ पर देखिए, मैं आपको दिखा रही हूँ कि मैंने किचन गार्डनिंग में अपनी चने की भाजी लगा रखी है, लेकिन मैं उसको जल्दी से बना भी नहीं पाती हूँ, क्योंकि मेरी एक आदत है कि मुझे साग वगैरह खाना अच्छा लगता है तो मैं ऊपर आती हूँ और ऊपर से आकर के ही तोड़ती हूँ और खाती हूँ। तो फ्रेंड्स कच्चा साग और चटनी में बहुत अच्छा लगता है। फ्रेंड्स ये आपको हमें फ्रेंड्स हमको कभी ना कभी थोड़ी बहुत गार्डनिंग करना चाहिए। और फ्रेंड्स यहाँ पर मैंने मेथी भी बोई थी, लेकिन मेथी में पाला पड़ गया, ठंड लग गई, जिस वजह से मेथी नहीं बन पाई। अब फ्रेंड्स यहाँ पर देखिए हमारा आग सुलग गया है अच्छी तरीके से, और हम दोबारा लिट्टी सेकेंगे, क्योंकि जो दो खान बची थी तो वो भी लिट्टी सेकेंगे। तो फ्रेंड्स हमारा लिट्टी वगैरह सब सेक गया है और खाना पीना हो गया है। फ्रेंड्स देखिए यहाँ पर अभी आग है, आपको दिखा रही हूँ कि कितनी सारी आग है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर हमारे पास शकरकंदी आई है, शकरकंदी आई। तो फ्रेंड्स जो आग में मध्यम मध्यम आँच में शकरकंदी भूंजी जाती है उसका टेस्ट बहुत ही अच्छा आता है। जो हम उबालते हैं वो अच्छी नहीं लगती है, लेकिन जो हम आग में भूनते हैं ना, वो उसका टेस्ट इतना मीठा मीठा हल्का हल्का होता है कि फ्रेंड्स खाने में बहुत टेस्टी लगती है। तो इसी वजह से मैंने इसको दबा दिया है, क्योंकि इसमें आग बहुत है और धीमी धीमी आँच में ये सिकती रहेगी। और जब तक डिनर वगैरह सबका हो गया है फ्रेंड्स, और जब तक हम अपने जो भी किचन के काम है, बर्तन वगैरह हैं, सब कुछ वो अच्छी तरीके से धो धा के सब कुछ किचन साफ कर लेंगे, तो जब तक हमारी शकरकंदी भून जाएगी फिर हम लोग इंजॉय करेंगे।